Hello and welcome students. Hi, this is Karan Square. You are watching me and my YouTube channel guys. So students, आज हम बात करने जा रहे हैं RBSC की exercise 4.1 के बारे में. So guys, ये काफी simple exercise है. So हम start करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो lecture CBSC के students भी देख रहे होंगे अभी, so उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो जितनी भी मैं RBSC की lecture दूंगा, lecture जो provide कराऊंगा YouTube पे, वो आपके लिए भी काफी यूजफुल होने वाले गाइस, काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि आप जो है वो अदर रेफरेंस बुक की हेल्प लेते हो, तो आपके लिए ये लेक्चर्स होंगे आरबीएससी के काफी यूजफुल होंगे, जो कि सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें अदर क्वेश्चंस आते हैं. और मैंने नोटिस किया गाइस कि जो आरबीएससी की जो टेक्स्ट बुक होती है, अदर स्टेट की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में दे दिए जाते हैं. तो जितना भी स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हो सीबीएसई वाले, तो आप ढंग से सुनिएगा गाइस कि ये जितने भी लेक्चर होंगे आरबीएससी से रिलेटेड, वो आप उनको जरूर देखिएगा और जरूर उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा. सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में. सो फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के डिटरमिनेंट ऑफ के 2 4 -3 विल बी 0. अब क्वेश्चंस क्या है देखिएगा. फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है आपको किसके लिए, यदि डिटरमिनेंट जो है ना वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो. यदि ये डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी आपको वो फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है उसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है. ये जो डिटरमिनेंट है उसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, 2x2 का है. और 2x2 का हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उसको. सोल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स वो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन में देने जा रहा हूँ. यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दे रखा है के 2 4 एंड -2 is equal to रखा है 0. बोला गया will be equal to 0. तो यदि ये determinant जो है वो 0 के equal हो students, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो main diagonals के elements होते हैं, देखो 2x2 जो दे रखा है आपको determinant का order दे रखा है, उसको solve कैसे करते हैं, यहाँ पे जो main diagonals के elements है वो पहले multiply होंगे, तो ये multiply कर देते हैं हम, देखिए minus का 3k बन जाएगा, ठीक है, फिर minus करेंगे और जो non main diagonal के elements है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके बाद, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. सो -3k -8 इज इक्वल टू 0. तो ये बना आपके पास -3k इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 8/3. सो हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स. सो इसको राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स. सो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और उसके बाद ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो आपको यदि ये राइट करना हो तो उसको पॉज करके आप राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं. आप देखिएगा हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर सकते हो आप. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है गाइस देखिएगा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ x y 2 4 दैट इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y. आपको x और y का रेशियो फाइंड करना है. सो हम यदि वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की, तो उसका रेशियो इजीली आ जाएगा. तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, यहाँ पे देखो x और y का रेशियो निकालना है, इसका मतलब ये भी तो है कि x अपॉन y, इसको मैं ऐसे भी तो राइट कर सकता हूँ, y रेशियो x हो तो y अपॉन x बन जाएगा, यदि x रेशियो y हो तो x अपॉन y बन जाएगा. तो इस तरह से वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो. तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ x y 2 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, x y 2 4 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व कीजिए, वो ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट गिवन है. सॉल्व कैसे करते हैं, जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट है पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो. 4 मल्टीप्लाई x इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. उसके बाद देखिए सिंपलीफाई कर सकते हैं वैसे, 4x और जो माइनस का 2y है उसको ट्रांसफर कर दो 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2y हो जाएगा. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y. इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. तो इधर आ गया आपके पास 2x इज इक्वल टू y, 1y या y, ठीक है. अब आपको रेशियो बनाना था x रेशियो y, अदरवाइज x अपॉन y भी बना सकते हो आप. तो x अपॉन y कैसे बनाएंगे देखिएगा, इस y को मैं यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, तो इसको नीचे ले आएगा, तो ये बन जाएगा x अपॉन y. अब आपको x अपॉन y की वैल्यू निकालनी थी ओनली, उसका रेशियो निकालना था, तो उसको 2 को मैं ट्रांसफर इधर कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा गाइस, यहाँ तो क्या देखिए 1 बचा आपके पास, तो 1 अपॉन इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे. तो x अपॉन y का रेशियो क्या आता है आपके पास, 1/2 आता है. सो देयरफॉर रेशियो ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1/2. सो दिस इज योर राइट आंसर.
नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड कर सकते हो गाइस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, हम यूज करेंगे इक्वेशंस बना करके इसको और फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो कैसे करेंगे वो देखेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 y x दैट इज इक्वल टू 4, तो इसको पहले यूज कर लेते हैं। चलिए तो यहां पे दे रखा है आपको 2 3 y x इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व वैसे ही कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 x 2 x, फिर क्या करते हैं हम माइनस करते हैं किसको, जो नॉन मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स है। ध्यान दीजिएगा यदि आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो मल्टीप्लाई पहले किसको करते हैं, जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, और जो अदर होते हैं उसको बोलते हैं नॉन मेन डायगोनल। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किसका होता है, जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं। सो 2 x 2 x माइनस क्या होगा, अब 3 y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पे, सेकंड क्या गिवन आपको देखेगा, एक्स वाई 4 and 2 इज इक्वल टू गिवन है गाइस क्या, 7। तो इसको देखिएगा क्या हो गया, अभी ये बन जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये बन जाएगा 2x 2x - 4y इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई किया, 2x - 4y इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड हो गया गाइस। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स, पहले राइट डाउन कर लीजिए एक बार इसको। सो राइट डाउन कर लिया हूं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको इरेज कर देता हूं स्टार्टिंग में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे हमने सॉल्व कर लिया उसको, 2x - 3y = 4, इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूं ऊपर, तो ये बन रहा है आपके पास 2x - 3y = 4। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट। नेक्स्ट यहां पर ले रहे हम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = 7, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। सो इसको भी हम इरेज कर देते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने इरेज कर दिया है। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसमें, अब इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे +2x है +2x, तो यहाँ पे कैंसिल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए y का इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट मीन समझिए मल्टीपल। सो यहाँ का मल्टीपल कितना है, 3 है, y का इसमें मल्टीपल कितना है आपके पास, -4 है, इधर -3 है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है वो सिमिलर है, तो उसको हम कैंसिल आउट इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो आप राइट कर देते हो सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्टिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज होता है, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, देखो ये +2x है तो क्या बन जाएगा, -2x, और ये माइनस का है तो क्या बन जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का। अब बताओ ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये देखिएगा ये माइनस का 4y नहीं रहा, ये क्या बन गया, प्लस का 4y। सो +4y - 3y दैट इज इक्वल टू ओनली y, राइट, एंड -7 + 4 = -3। सो हमने गाइस यहां पे क्या फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ y फाइंड कर ली है, और वैल्यू ऑफ y फाइंड कर ली तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट अब यहां पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पुट कर दीजिए इसमें 2x - 3, वैल्यू y क्या आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे -3 आ रही है, इज इक्वल टू क्या हो गया 4। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, यहाँ वैल्यू y फाइंड कर ली क्या आ रही है, -3 आ रही है। अब मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, आप चाहो तो सेकंड में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने पुट क्या किया है, फर्स्ट में पुट कर दिया 2x - 3 × -3 = क्या हो गया 4, एंड क्या हो गया 2x प्लस का क्या हो जाएगा 9 = क्या हो गया 4, देन 2x = -5, 4 - 9 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व कर सकते हो, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे -5/2। सो आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, सो आपकी आंसर हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, सो गाइस मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब सॉल्यूशन देखते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, सो देखिएगा वही 2x2 का आपको दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स माइनस थ्री से, माइनस हो जाएगा क्या। अब नॉन जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। अब देखो मल्टीप्लाई करो उसको, एक्स मल्टीप्लाई किससे होगा पहले, एक्स से, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर राइट। और एक्स फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस थ्री से, फिर बन जाएगा माइनस का थ्री एक्स। नेक्स्ट बनेगा आपके पास माइनस वन, जब मल्टीप्लाई किससे होगा प्लस एक्स से, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स, यानी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का थ्री। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, उसके बाद करते हैं इसकी। नेक्स्ट होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या आ गया टू एक्स। वापस देखिएगा ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो क्या बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड माइनस माइनस क्या आ गया प्लस का टू एक्स। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे माइनस का थ्री एक्स एंड प्लस का टू एक्स, माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स, लार्जर नंबर नेगेटिव होता है तो वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। सो सॉल्व कर लो इसको, माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स क्या आ गया, माइनस का एक्स आ गया। उसके बाद अब वैल्यू देखिए क्या बन गया आपके पास, सो यहाँ पे वैल्यूज हो रहा है माइनस का थ्री एक्स और माइनस का एक्स, समझिएगा इसको, माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स कितना हो गया, माइनस का फोर एक्स हो गया। पहले इसको मैं ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स क्या हो गया, माइनस का फोर एक्स। अब माइनस का फोर एक्स तो ये हो गया, और इधर क्या प्लस का टू एक्स, तो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स आपको क्या देगा, माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स। यदि आपको डाउट हो तो मैं समझा देता हूँ, माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स क्या बन गया, माइनस का फोर एक्स हो गया, और वो क्या प्लस में टू एक्स है। तो इसको जब सिंपल करोगे तो ये लार्जर नंबर आ रहा है नेगेटिव, सिंपल करने के बाद क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस बच जाएगा ठीक है। तो यहाँ चल रहा प्लस का थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, सो माइनस का टू एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू दे देगा आपको क्या, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया आपके एक्स की, आपको एक्स फाइंड करना था गाइस। सो आप राइट डाउन कर सकते हैं, और यदि आपने समझ लिया हो और राइट नहीं किया हो तो आप बैक जाके उसको राइट डाउन कर सकते हैं, उसको पॉज देके। सो थैंक यू गाइस।